हेलो बच्चों, सो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट कर दिया था। और अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो पहले कंप्लीट कीजिए, देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, सो वो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको। आज का जो टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मैंने बताया था कि आज के दिन मैं आपको करवाने वाली हूँ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ना आज बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझ के जाइए, एकदम अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा आज। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं आप उसका रेजोल्यूशन कर सकूं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, सो प्लीज कंसंट्रेट अबाउट द टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है ना, सपोज एक पेरेंट है एंड द पेरेंट्स आर टी टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल टॉल एंड ड्रॉप। तो एक है टॉल, एक है ड्रॉप। ठीक है, सो इसका अगर गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन कैसा होगा, टी एंड टी, यहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो व्हाट आर द गैमेट्स, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यही होने वाला है। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट जेनरेशन F1 जेनरेशन के बारे में बात करें हम, तो क्या होगा F1 जेनरेशन आप बताइए। इफ दिस इज अ फादर एंड दिस इज अ मदर, तो F1 जेनरेशन क्या बनने वाला है, यहां पे आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब सारे के सारे बच्चे टॉल होने वाले हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसमें टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्रॉप। और आपको अगर याद होगा डोमिनेंट जीन का या डोमिनेंट गैमेट्स का फीचर क्या होता है कि वो रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, राइट तो रेसेसिव को जब एक्सप्रेस नहीं होने देगा तो ऑल द किड्स फेयर जो भी पैदा हो रहे हैं F1 जेनरेशन में वो टॉल होंगे। अगर इफ वी टॉक अबाउट जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करूं तो सारे के सारे जीनोटाइप इज सेम, तो 4:0। अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो फिनोटाइपिक रेशियो सो फिनोटाइपिक रेशियो की बात अगर करूं मैं, सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की यहाँ पे बात करूं तो फिनोटाइप भी है सारे के सारे तो टॉल है, तो 4:0 है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, देन गो फॉर F2 जेनरेशन। इसी के नीचे बनाना तुम लोग, मेरे पास जगह नहीं हो रहा है, सो आई एम डूइंग दिस F2 जेनरेशन हियर, मेरे पास जगह नहीं हो रहा है, तुम इसी के नीचे बनाओगे। सो व्हाट वाज द F2 जेनरेशन, मेरे पास दो पेरेंट इज लाइक दिस, ठीक है, इसमें से गैमेट्स में निकलेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी निकलेगा, हेट्रोजाइगस गैमेट्स है ना, और यहां से गैमेट्स निकलेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन हेट्रोजाइगस गैमेट्स। ठीक है, तो तुम अगर इसका इसका अगर क्रॉस करते हो तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है। इफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज अ फादर एंड दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मदर, देन यहां पे टी टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा,
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. If I am talking about here genotypic ratio, तो genotype कितने हैं? यहाँ पे genotypic ratio अगर मैं पूछूँ कितनी है, तो what is the genotypic ratio बताइए? Tall एक है, मतलब capital T and capital T का एक ही genotype है, capital T और small T का दो genotype है, एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी का एक जीनोटाइप है. इफ वी टॉक अबाउट फीनोटाइपिक रेशियो, फीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करूं, फीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंस में ये तीनों जो होंगे वो तीनों के तीनों टॉल होंगे, एंड दिस वन इज ओनली ड्वार्फ, तो 3:1. यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सबको सब क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है तो नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. नोट हो गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी नाइस, इसको समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करते हैं. अगर सपोज अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई पूछ रहा है टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो इसका आंसर होने वाला है 2 to the power n. व्हाट इज n? व्हाट इज n? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमेट. व्हाट इज n? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमेट. ठीक है, अगर चलो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लिया जाए. अगर मैं तुमको क्वेश्चन ऐसा देती हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, और मैं पूछूं भैया टाइप्स ऑफ गैमेट्स इसमें कितने बनने वाले हैं, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे व्हाट आर द टाइप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो कितने हेट्रोजाइगस गैमेट्स हैं? 3. सो 2 to the power 3 यानी कि 8. ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो चलो इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं, प्रूफ भी करके दिखाते हैं. ये कैपिटल और स्मॉल ए में से कितने गैमेट्स निकलेंगे, या फिर कैपिटल है या फिर स्मॉल है ना? कैपिटल ए जो है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या फिर वो कैपिटल बी से कंबाइन करे या फिर स्मॉल बी से कंबाइन करे, है ना? और स्मॉल कैपिटल बी के पास भी दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर वो कैपिटल सी से कंबाइन करे या फिर स्मॉल सी से कंबाइन करे. अगेन बी के पास भी दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर वो कैपिटल सी से या फिर स्मॉल सी से कंबाइन करें, है ना? टू पॉसिबिलिटीज. नाउ फॉर स्मॉल ए, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, या फिर कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी, या फिर कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी, या फिर कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी, है ना? सो अगर मैं पहले के बारे में देखूं तो व्हाट वाज द रिजल्ट? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. सेकेंड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल सी, स्मॉल सी. यहां पे क्या निकलेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो वही आंसर आया था ना मुझे, मेरा 2 to the power 3, दैट इज 8. तो प्रूफ हो गया, यहाँ पे बातें प्रूफ हुई. ठीक है, प्रूफ हो गया. सो प्रूफ हो गया. चलो
अगर प्रूव हो गया, सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, तो ये तो भैया एक ही दिख रहा है, सो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी 1/8, क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए अगर क्लियर है तो शैल वी मूव फॉर द अदर क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन कर ले, कॉन्सेप्ट और थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी, बताइए बताइए टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स बताइए कितने होंगे? यस, इट्स 2 to the power 3। व्हाई वी डिडंट काउंट सी, बिकॉज इट डजंट कंटेन हेटरोजाइगस गैमेट्स, है ना? सो 2 to the power 3 दैट इज 8। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर ले। अच्छा मेरे पास पॉसिबिलिटी है ए और स्मॉल ए की, कैपिटल ए की पॉसिबिलिटी है कैपिटल बी और स्मॉल बी से होने की, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कैपिटल बी और स्मॉल बी से होने की, इसकी कैपिटल सी, इसकी भी कैपिटल सी, इसकी भी कैपिटल सी, इसकी भी कैपिटल सी, अगेन सी के बाद कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ठीक है? चलो अब बनाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो यहां बन सकता है ए बी सी डी, दूसरा ए बी सॉरी ए स्मॉल बी कैपिटल सॉरी 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 ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, नेक्स्ट इसमें आ जाइए ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, नेक्स्ट ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, नेक्स्ट ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, नेक्स्ट ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी। देखिए कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ओके बातें समझ आई? अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये तो भैया एक ही दिख रहा है, दैट इज 1/8, क्लियर है? इजी है यार, कॉन्सेप्ट बस जानना है, कॉन्सेप्ट बस जानना है, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। चलो तो यहां तक तो पता चल गया, एंड वी आर आई थिंक कि वी आर क्लियर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है, शायद मेरे ख्याल से मैंने कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर दिया है। नाउ कैन यू मूव फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, विचाले? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो द नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? सो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना,
वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मानता है. किसको मानता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ऑबे करता है. ठीक है, ठीक है. फॉर्मूला वही है. टाइप्स ऑफ गैमेट्स अगर तुमसे पूछा तो 2 to the power n. ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो क्रॉसिंग ओवर जो है ना वो थोड़ा डाई हाइब्रिड वाला, मतलब दो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे. तो आप इसमें ले लो राउंड एंड येलो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज राउंड एंड येलो. ठीक है, और ले लो राउंड और ग्रीन. ठीक है, राउंड और ग्रीन. और क्या लेना है? रिंकल्ड, रिंकल्ड और येलो. रिंकल्ड और येलो. सो रिंकल को स्मॉल आर और येलो. सो रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, और रिंकल्ड और ग्रीन. ठीक है, सो रिंकल्ड और येलो एंड रिंकल्ड और ग्रीन. रिंकल्ड एंड येलो. एक मिनट देना मुझे. अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ो. अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइम देना मुझे, इसको मिटा. ठीक है, इसको समझाती हूँ मैं इजी तरीके से. हमने लिया एक रिंकल येलो. ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो मैंने आपको लास्ट डे बताया था. रिंकल्ड होगा तो दिस इज रेसेसिव एंड येलो है सो इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, इसका मैंने क्रॉसिंग किया राउंड एंड ग्रीन के साथ. ठीक है, इसका क्रॉसिंग किया राउंड एंड ग्रीन के साथ. सो कैपिटल आर एंड व्हाट इज ग्रीन? ग्रीन इज स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, इसकी क्या क्या गैमेट्स निकलेंगे आप बताओ मुझे. स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, इसके क्या क्या गैमेट्स निकलेंगे? कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ये गैमेट्स निकलने वाले हैं, है ना? ये गैमेट्स निकलने वाले हैं. अच्छा, कॉम्बिनेशन देखो क्या होने वाला है. कॉम्बिनेशन देखो, इन F1 जेनरेशन में क्या होने वाला है? F1 जेनरेशन में होने वाला है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना? दिस इज माई रिजल्ट. ठीक है, ठीक है. अब इनके जब गैमेट्स निकलेंगे तो कैसे गैमेट्स निकलेंगे? दो गैमेट्स निकल सकते हैं, दिस एंड दिस. ठीक है, ठीक है. या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस एंड दिस. स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. यस, दीज आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट्स, है ना? चलो अब इसका बना लो आप लोग पनेट स्क्वायर. इसका बना लीजिए पनेट स्क्वायर. सो पनेट स्क्वायर में क्या क्या आएगा? चलिए पनेट स्क्वायर फॉर्मेशन किया जाए. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आई टोल्ड यू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, या फिर ऐसे कर लो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. सो यहां पे भी वही चीजें रहेंगी. ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे भी वही चीजें बना लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए अब इसका पनेट स्क्वायर बनाया जाए। सो दिस इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आप बना लोगे ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई वाई, एंड दिस कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। यस दिस इज माई रिजल्ट। ठीक है ठीक है ओके। सो अगर ये पूछा तुमसे कि बताइए भैया F2 जेनरेशन तो आपने बना लिया, F2 जेनरेशन तो आपने बना लिया, इसका बताइए जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सो व्हाट आर द जीनोटाइपिक रेशियो, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या क्या आया, व्हाट आर द वैरायटीज, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। दो मिनट होल्ड कर लीजिए और फिर बताइए मुझे जीनोटाइपिक रेशियो क्या क्या आया। ठीक है, बता सकते हैं ना, व्हाट आर द जीनोटाइप्स हियर, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, बताइए कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं एंड व्हाट आर द फीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, दोनों ही आप मुझे बताएंगे। जीनोटाइप्स आर ऑल अबाउट गैमेट्स, फीनोटाइप को कैसे दिखेंगे, है ना, तो कितने डिफरेंट तरह के गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक दिस वन एंड दिस वन इज टोटली डिफरेंट और बाकी सब क्या सेम है, क्या सेम है। जीनोटाइपिक रेशियो तो आप लोग ही मुझे बताने वाले हैं कि व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो। थोड़ा सा मैं फीनोटाइपिक रेशियो आपको दिखा दूं कि फीनोटाइपिक रेशियो में अगर आप ये देखोगे, दिस इज राउंड एंड येलो, है ना, राउंड एंड येलो, आपको क्या करना है, राउंड एंड येलो कितने आने वाले हैं वो काउंट करना है। ठीक है, राउंड और ग्रीन कितने आने वाले हैं वो काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट रिंकल और येलो आने वाले कितने हैं वो काउंट करना है एंड रिंकल और ग्रीन आने वाले कितने काउंट करना है। क्या क्या मैंने बोला आपको, राउंड एंड येलो वाले काउंट करने हैं। ठीक है, दूसरा आपको काउंट करना है, देखो आप वैरायटी दिखी जाएगी यार इसमें, आप देखोगे ना, दिस इज राउंड एंड येलो 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 राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, सो वैरायटी यू कैन सी, वैरायटी अगर आप देख के आप निकालोगे तो योर रेशियो विल बी 9:3:3:1। ठीक है, एक बार ट्राई करो, अगर कुछ अटकता है कुछ नहीं समझ में आता है कि ये कैसे निकल रहा है, सो यू कैन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो अबाउट ऑल दिस थिंग्स एग्जैक्टली, जैसे जैसे बनेगा मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है मेरे बच्चे स्मार्ट है एंड दे कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन की जीनोटाइपिक रेशियो में कितने गैमेट्स आने वाले हैं और फीनोटाइपिक रेशियो में कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आने वाली है। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दे रही हूं दो क्वेश्चन, यू हैव टू डू द टू क्वेश्चंस एंड आपको मुझे आंसर बताना है। ठीक है,
So, two questions are homework questions. First is, first क्या है? First question is, in a combination of capital A, small e, capital B, small b, capital C, small c, what is the probability of E, B, C gametes? ठीक है, ये तो easy है, ये तो मैंने सिखाया आपको कैसे निकालना है. ठीक है, next is in a dihybrid cross conducted by Mendel, what will be the probability of capital R small r, capital Y small y combination? ठीक है, तो ये आपको दोनों ही फर्स्ट वाला तो एम ही निकल जाना है एंड सेकेंड वाला यू हैव टू ड्रॉ पनेट स्क्वायर बनाई है, देन गिव मी द आंसर. ठीक है, आंसर देना पक्का. तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मैं थोड़ा सा ना आपको देने वाली हूँ आइडिया मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है, मल्टीपल एलील मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में. सो मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, चलिए. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल एलिलिज्म. सो मैंने इसमें आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वन जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर एंड वन कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल बाय टू एलील्स, है ना. वन जीनोटाइप का मतलब होता है एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और एक कैरेक्टर कितने एलील के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, टू एलील के द्वारा. ये एकदम याद रखो यार, इसी से सारा मल्टीपल एलिलिज्म खत्म करूंगी मैं. ठीक है चलो अब देखो इसका एग्जांपल क्या होता है. इसका एग्जांपल इज लाइक ब्लड ग्रुप. ठीक है, ब्लड ग्रुप. सो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, सो पॉपुलेशन में क्या होता है, व्हाट आर द वैरायटीज ऑफ एलील्स प्रेजेंट, या फिर आपके पास आई ए हो सकता है या फिर आई बी या फिर स्मॉल आई. यही तीन एलील्स पॉसिबल है, यही तीन तरीके के एलील्स पॉसिबल है पॉपुलेशन में. ठीक है, और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो व्हाट यू कैन से कितने एलील्स होंगे एक इंडिविजुअल में, बताइए कितने एलील्स होंगे एक इंडिविजुअल में. टू एलील्स, यस टू एलील्स. ठीक है, दो ही एलील्स होंगे एक इंडिविजुअल में. सो अगर एक बंदे की ब्लड ग्रुप आई है, तो यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए. ठीक है, अगर आई बी आई है सो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी. इफ द ब्लड ग्रुप इज लाइक आई ए आई बी सो ब्लड ग्रुप इज ए बी. ठीक है, अगर फिर एक बंदे की ब्लड ग्रुप आई ए है तो दैट इज ए, और आई बी है तो दैट इज बी ब्लड ग्रुप, और अगर स्मॉल आई
एंड स्मॉल आई है दैट इज ओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, सो दिस इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन साइड द इंडिविजुअल. सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो यहाँ पे देखिए आई ए जो है यानी कि ए ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट ओवर आई, है ना, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को एग्री करता है ना, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को एग्री करता है. देखो बी इज डोमिनेंट ओवर आई. यहां पे देखो यहां पे क्या हो रहा है, आई ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट, है ना, सो यहां पे को डोमिनेंस हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, को डोमिनेंस हो रहा है, बोथ एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, समझ आ रहा है. ठीक है, ओके ओके. सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील में एक तो आप ब्लड ग्रुप दे दोगे, या फिर आप देखते हो ना कि कोट कलर ऑफ माइस, कोट कलर ऑफ माइस, है ना, तो चूहों के कोट का कलर कोई काला कोई व्हाइट होता है ना, बिकॉज ऑफ दीस एलील्स, है ना. नेक्स्ट कोट कलर ऑफ रैबिट, कोट कलर ऑफ रैबिट, सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है, ठीक है, चलो अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बना लें, क्वेश्चंस बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. मिटाया जाए, ओके ओके. सो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ मैन विथ ब्लड ग्रुप, ठीक है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज विथ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी. ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग हैविंग ओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज विथ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ. ठीक है, अब देखिए अगर आई ए और आई ए रहेगा तो ओ ब्लड ग्रुप कहां से आएगा, सो एक तो रेसिसिव रहना जरूरी है ना. सो अगर बंदे का ब्लड ग्रुप है आई ए एंड आई आई या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई, ठीक है, एक को तो भैया रेसिसिव होना पड़ेगा तभी ब्लड ग्रुप ओ आएगा बिकॉज आई का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड द वाइफ इज ब्लड ग्रुप ओ, सो आई बी एंड आई, है ना. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हियर, सो पॉसिबिलिटीज में आ जाता है आई ए आई बी. ठीक है, सो यहां पे आएगा आई ए एंड आई, यहां पे आएगा आई बी एंड आई एंड आई आई. बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड ऑफ हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप दैट इज 1/4, है ना, चार भाग में एक भाग पॉसिबिलिटी है कि वो ओ ब्लड ग्रुप का हो, यानी कि द परसेंटेज इज 25% चांस है. अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओके ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप है आई मतलब ओ एंड मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा ना दैट इज ए, ठीक है, चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज ए। चलिए निकालते हैं, फादर इज आई, मदर इज आई ए एंड आई बी, ऐसे ही होगा ना। ओके, सो हियर द रिजल्ट केम लाइक आई ए आई आई बी आई आई ए आई एंड आई बी आई, यही प्रोबेबिलिटी होगा। सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ बीइंग ए ब्लड ग्रुप, 2/4 दैट इज 1/2, है ना, दैट इज 50% चांस है ए ब्लड ग्रुप होने का। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ एक क्वेश्चन मेरे से लीजिए आप और होमवर्क में बनाइएगा प्लीज। अगर नहीं बने तो प्लीज मुझे नेक्स्ट डे इसका आंसर करने दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्लीज बना के नहीं बना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ए बी एंड मदर का ब्लड ग्रुप है ए, सो फादर का ब्लड ग्रुप का कितना चांसेस है वो बताइए, ठीक है। तो कितने वैरायटीज ऑफ आंसर्स आप निकाल सकते हो ना इसमें, प्लीज निकालिए। और नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इसका आंसर करूंगी, देन आई मूव फॉर द अनदर क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, बाकी सब इजीली बनता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।